1960 के दशक में, जिसका नेतृत्व किया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और गुजरात के गौरव समान डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उन्नत और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण मकाम हासिल किया है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon. The Vikram, as well as the Pragyan, made history. This 23rd August 2024, we are celebrating the National Space Day announced by our Honorable Prime Minister to commemorate the landing on the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country are organized, culminating in the first anniversary celebration of this historic day. I wish all of you join this celebration, be part of this celebration and have the Space Day, the maiden Space Day celebrated all across the country with great enthusiasm and joy. Thank you. प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक नेतृत्व में अनुसरण करते हुए गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व में गुजरात ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष में गुजरात में विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। राज्य में विभिन्न स्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित व्याख्यान, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट द्वारा एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जब चंद्रयान मून के सरफेस पे उतर रहा था तो सांसें रुक रही थी कि एक सेकेंड अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बहुत बहुत हमें खुशी हुई। नेशनल स्पेस डे, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जहां पर दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच पाया, उस समय भारत का माथा गर्व से ऊंचा हो गया।
आज जल संसाधन विभाग द्वारा इस विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज का दिन विशेष रूप से हर्ष का है, इसलिए कि सब जानते हैं एक मिशन जिसकी शुरुआत लगभग दो दशक 20-21 साल पहले, जब 21वीं सदी का प्रारंभ ही हो रहा था, उसी वक्त इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और हमारे वैज्ञानिकों के, खास तौर से इसरो के प्रतिनिधि आए हुए हैं। साथियों, आपको जैसा मालूम है कि अंतरिक्ष के बारे में सोच के ही हम लोग सोचते हैं ये है क्या चीज, क्या ये एक वैक्यूम है, बहुत गर्म है, और आप लोग जैसा अपना अपना विचार जैसा रखते हैं। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कई सदियों से आपका हमारा सपना था चंद्रयान पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसके लिए आपको बधाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम और हम उस अवसर पे हम एक महत्वपूर्ण विषय पे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम क्यों मना रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को क्या घटित हुआ था और भारत ने उस अभूतपूर्व उपलब्धि जो हम चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुँचे थे, वो भी दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले हैं। ये जो नया डायमेंशन है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो हमारे टाइम में ये ड्रास्टिक परिवर्तन आया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या मैपिंग के लिए या नेविगेशन के लिए हमको प्रिसाइज पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है। बहुत एक्यूरेटली हमको ये जानना जरूरी है कि हमारी पोजीशन क्या है, क्योंकि GPS अमेरिकन सेटेलाइट्स का नाम था, अमेरिकन सिस्टम का नाम था, तो उसको आजकल हम GNSS बोलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट। And water erosions. The second is reservoir bathymetry. Reservoir bathymetry is we have more than 7,000 lake dams. इस जमाने में मतलब समझिए आप, सैटेलाइट इमेजेस के नाम पे कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं थी, टेलीफोन का जमाना था लैंडलाइन वाला, और टीवी भी हम एंटीना के सहारे देखते थे, मतलब माइक्रोवेव्स भी इतने डेवलप नहीं हुए। उस जमाने से हम लोग रिमोट सेंसिंग एंड GIS का उपयोग कर रहे हैं।
1969, 15 August, Indian Space Research Organization has been formed under the chairmanship of Sri Vikram Sarabhai, whom we call as father of Indian space program. Vikram Sarabhai has stated that we should be second to none in leveraging the benefit of space technology. Country is progressing very fast in the field of space technology. Year's National Space Day is touching lives while touching the moon, India's space saga, which emphasizes the profound impact of space technology and exploration on society and technology. National faculty members, research scholars, and students from various institutions, our special invitees, my colleagues from various departments, and friends. The spacecraft carried a total of 11 scientific instruments. It orbited around the moon at a height of 100 kilometers from the lunar surface for chemical, mineralogical, and photogeologic mapping of the moon. With the suggestion of former President Dr. APJ Abdul Kalam, ISRO achieved a remarkable feat by creating the Moon Impact Probe, which became the first Indian object to touch the lunar surface. The fullness of space technology is many: water body monitoring, groundwater monitoring, flood prediction and management, water resources mapping, to name a few. Sometimes, especially during storms, lightnings, the tower sometimes get shut. Facility for processing the user's GNSS data. Just upload your GNSS observation file and you will receive the process. What uncertainty is the error part in a particular image? Sir, definitely remote sensing always associated with a certain amount of ground verification. Radars, EWLR, and groundwater level radar, EWLR. I, on behalf of Irrigation and Water Resources Department, Mizoram, would like to thank the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, and Team National Hydrology Project for initiating a program like this. Thank you.
आने वाले समय के अंदर ये स्मृति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे और वो इससे प्रेरणा ले सके। प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, चित्रकला का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। सिक्किम सरकार के तरफ से, सिक्किम के जनता के तरफ से, यानी कि मैं साधारण लामा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ऐसा लीडर देश को हर रोज मिले, चंद्रयान 3 जैसा सक्सेसफुल आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा हुआ है, ये सबसे बड़ा गर्व करने के दिन है। मैं इसीलिए सिक्किम सरकार और सिक्किम के जनता के तरफ से नरेंद्र मोदी जी को और आगे बढ़ने का, सिक्किम एक पवित्र जगह है। How much water is easily accessible to art? You can see the small, a big drop of water. This is the total water available on the art, and this small drop is the fresh water. But this small drop, blue color small drop, this is the only water which is easily accessible. So that means it is a very small quantity. Another way to look at this is, let's say this cup, disposable cup, is the whole art model. You fill this cup by 75%, that is the total water. Then you just take one dropper and drop it on the floor. This is the fresh water, all the water. And the small drop that is being dispersed here, that is the easily accessible water which are in the lakes, rivers and all. दो मिनट का पूर्ण मौन रखते हुए सृष्टि के संचालक और ऊर्जा के स्रोत शब्द ओम के उच्चारण के साथ उस घटना को ताजा करते हैं। अनुपम
अपन प्रकाश जी, स्वरूप जी एंड वैभव जी तथा इस हॉल में उपस्थित इरिगेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण। सुप्रभात को जिस प्रकार बच्चों के बीच में जाकर इस बारे में जानकारी देना और उस बच्चों को मोटिवेशन करना, लोग जिस प्रकार लेख के माध्यम से और डिबेट के माध्यम से जिस प्रकार बच्चों के अंदर एक उत्साह भरने का आपने काम किया है, मैं आपको भी आपके टीम को भी हृदय से बधाई देता हूँ। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की आउटर स्पेस, चाहे वो उपग्रह के माध्यम से हो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, वो सबका इतना पावरफुल प्रेजेंस हम लोगों के जीवन में हो गया है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा जीवन का आयाम बचा हो जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ड्रोन लिडार तमाम तरह की चीजों से अछूता हुआ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू अथॉरिटीज फॉर इनवाइटिंग अस हियर ऑन एन ऑस्पिशियस डे एंड वी वुड लाइक टू थैंक सेशंस। थैंक यू इरिगेशन डिपार्टमेंट, इट हैज बीन अ ब्लेसिंग कि वी आर सिटिंग इन द सेम रूम विद द एस्टीम्ड डिग्निटरीज फ्रॉम इसरो, आरसैक एंड सर्वे ऑफ इंडिया।